शाहीन बाग की आग पूरे देश में फैल गई है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो नज़ारा है वह तो अपने आप में ऐतिहासिक है। वहां पर घंटाघर में पिछले 25 दिनों से औरतें खुले आसमान के नीचे 24 घंटे बैठी हुई हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं और वहां पर वे सीधे सीधे टक्कर दे रही हैं योगी आदित्यनाथ और अहंकार से भरी उनकी सरकार को। वहां पर सरकार ने तंबू लगाने नहीं दिया, वहां योगी सरकार ने बिजली काट दी, पानी नहीं आने दिया, खाना तक उठा के ले गए, कंबल तक उठा के ले गए। लेकिन साहस देखिए इन औरतों का, जब हम वहां पहुंचे 25वां दिन था उस दिन, तब से लेकर आज तक एक महिला भी हिली नहीं वहां से। लगातार वे आ रहे हैं, 10 बजे स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी जाती है, लेकिन तब भी औरतों का जो हौसला है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। औरतें वहां कह रही हैं कि हम स्प्रिंग हैं, ज्यादा दबाओगे उतना ही तेज हम उछल कर आएंगे। यहां पर औरतों ने जो काम किया है, जिस तरह का खौफ योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में तारी करना चाह रही है, उसके खिलाफ एकजुट होकर औरतें खड़ी हैं। और हमने वहां बातचीत की उन लोगों से, जानना चाहा कि किस तरह से और कहां तक वह लड़ाई आगे ले जाएंगी। सिर्फ घंटा घर ही नहीं, गोमती नगर के उजरियाओं गांव में एक छोटे से इलाके में पिछले 22-23 दिन से महिलाएं बैठी हुई हैं और वहां पर भी आलम वही है। वे 26 तारीख को झंडा फहराना चाहती थी और सरकार इस पर बिल्कुल तैयार नहीं हुई, उन्होंने अपने घर से झंडा फहराया। और वहां हमें मिली एक 105 साल की दादी और नानी, सुनिएगा उनकी जुबानी कि किस तरह से वे आजादी की इस लड़ाई में शिरकत कर रही हैं दूध और रोटी के साथ। कितनी उम्र होगी आपकी? 105 साल। कब पैदा हुई कुछ याद है आपको? अरे बिटिया की बात है। अब हमका मैं माँ मर गए, बाप मर गए, सब मर गए, अकेले हम बैठे हैं। अब हमका कहा पता कब पैदा भेज रहे और कब हम भेज। थोड़े अपने दिन से यहाँ आ रही हैं आप? कहाँ हैं, जौन दिन से सब बैठे मरीगो से हम लेते हैं, दिन रात लेते हैं कि का हो रहा है सब, कोई तरह से कोई फैसला हो भाई। रोज आती हैं आप? रोज में हम यहीं रहा सन, हम यहीं हम नहीं चले पावत हैं, जो हम जान आवामन। उनका माए मर गए, बाप मर गए, दादा मर गए, पर दादा मर गए तो कागज उनके पास आए तो हमका देंगे कि कागज हम उनका दें? कागज हमारे पास कहाँ धरे? हमारा संविधान बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। जिस तरह से वीर भगत सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी, झांसी की रानी ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश को बचाने के लिए, जिस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था, हम सब एक थे। सन 47 में बंटवारा हुआ है, जिस तरह से कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना दिया गया, जब लोगों से ये बोला गया कि आप च्वाइस कर लीजिए, तो हम जो मुस्लिम्स थे, जो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनकी सर पर गठरी रखी हुई थी, उन्होंने लोगों से बोला कि हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाने वाले। ये देखिए, एक वहम फैलाया जा रहा है कि ये केवल मुस्लिम लोगों को प्रभावित कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ आप एक हिंदुस्तान पाओगे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग कुछ चंद औरतें थे, यहाँ पर 10-20 के हिसाब से औरतें थी पहले दिन की शुरुआत, फिर दूसरे दिन यहाँ 100 की तादाद हुई, फिर 1000 हुई, फिर तादाद लाखों में चली गई और इस तरह से प्रोटेस्ट कामयाब पे कामयाब होता गया। हमें डराने की भी कोशिशें की गई, हमें धमकाने की भी कोशिशें की गई, हर तरह से हमको रोकना चाहा। और बच्चों के ज़रिए से, जैसे कि मैं अपना बच्चा लेके बेल्ट में आती हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा ये हुआ कि मानसिकता पे असर पड़ रहा है बच्चों की। यहाँ पे बच्चों को लाने से बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी है, तरह तरह के प्रोपेगंडे अपनाए गए यहाँ हमें रोकने के लिए, लेकिन हम रुके नहीं, हम निडर रहे और जितना हमें डराया गया हम निडर बनते चले गए। और आज हम यहाँ अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ संविधान के दायरे में रहकर हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और जिस
तरह से महिलाओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमारे साथ महिलाएं जुड़ती चली जा रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, बल्कि तमाम ही समुदाय की महिलाएं हमारे साथ इस टाइम जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सिखों में भी अभी हुआ था, अभी भी सब स्टेज पर हैं, और कल हवन था हमारे यहाँ हमारी हिंदू बहनों ने हवन किया था, और काफ़ी समुदाय के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इसको सिर्फ एक उससे ना देखा जाए, एक समुदाय से ना देखा जाए, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। इस जो ये CA NRC MPR है, इसकी चपेट में सिर्फ एक समुदाय नहीं आएगा, बल्कि तमाम ही समुदाय इसकी चपेट में आएंगे, यानी बोल सकते हैं पूरा भारत इसकी चपेट में आने वाला है। ये दिल्ली की शाहीन है, ये लखनऊ की जीनतें, ये दिल्ली की शाहीन है, ये लखनऊ की जीनतें, संभालने को मोर्चा निकल पड़ी है बेटियाँ। लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो, लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो, इन आदतों पे थूक कर निकल पड़ी है बेटियाँ। सिर्फ मेरा ही ऐसा नहीं है, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने बच्चों के साथ आती हैं, सब इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं जाता, बल्कि तमाम महिलाओं को यहाँ इस बात का क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम सब इस वक्त एकता का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। ये संदेश हमें ये गवर्नमेंट को देना है कि देखिए हमें मजहब के नाम पर ना बांटे। मकान छीन लोगे तुम, दुकान छीन लोगे तुम, तुम्हारे डर को रौंदने निकल पड़ी हैं बेटियां। लिबास में ही ढूंढते रहोगे नाम धर्म तुम, लिबास में ही ढूंढते रहोगे नाम धर्म तुम, यहाँ तिरंगा ओढ़ कर निकल पड़ी हैं बेटियां। ये हिंदुस्तान हमने अपनी मर्जी से चुना है, और जो चीज चुनी जाती है उससे ज्यादा मोहब्बत इंसान किसी से नहीं कर सकता, जिसे चुनता है उससे ही मोहब्बत करता है। हिंदुस्तान की औरतें कभी डर ही नहीं सकती यहाँ पे, हम लोग मोदी जी से क्यों डरे भाई, तो सरकार है, हम लोग उनसे क्यों डरे। भारत का संविधान कहता है कि ये जनता से बना हुआ कानून है, इसमें कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई कहीं सिख नहीं, ईसाई नहीं, सीधे सीधे ये संविधान पे आज हमारे खतरा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को घर के बाहर निकलना पड़ा है कि इसको, इस कानून को हम लोगों को हटाना ही हटाना है। आज 23वें दिन जो हमारा आंदोलन पहुंचा है वो कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। शुरुआती दौर में पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा, पहले उन्होंने सोचा कि ये घरेलू महिलाएं हैं तो उन्होंने लेडीज टॉयलेट में ताला लगा दिया, उसके बाद फिर वो औरतें हिम्मत नहीं हारी, फिर उनके जो खाने का सामान था, सर्द रात में जो कंबल वगैरह थे, पुलिस ने उसको छीनने की कोशिश किया, छीना क्या, छीन लिया पूरा कंबल, वो भी औरतों ने सहा। इतना यहाँ पर हुआ, टेंट नहीं लगने दिया, टॉयलेट बंद कर दिया, सब लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। नहीं देखिए, एक चीज बताए, जितना कहते हैं ना स्प्रिंग है, जितना दबाएंगे उतना उभर के आएंगे, और वो जो है हमें तोड़ नहीं रहे, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम मजबूत कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत मजबूत कर दिया। इस आंदोलन ने हम लोगों को अंबुजा सीमेंट के मानिंद बना दिया है, जैसे अंबुजा सीमेंट होता है ना कि जुड़ गया है, टूटना नहीं है। तुम लगाओ हथकड़ी, तुम चलाओ लाठियां, अब मनाओ खैर, तुम निकल पड़ी है बेटियां। सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, रवायतों को तोड़कर निकल पड़ी है बेटियां। न डर पुलिस का है इन्हें, न वर्दियों का खौफ है, तुम्हारे डर को रौंदने निकल पड़ी है बेटियां। यही मेरा घर है, ये घंटा घर मेरा घर बन चुका है, और यही मेरा घर है, ये घंटा घर के नाम से मेरा घर मशहूर हो चुका है, यही मेरा घर। ये है कि देशभक्ति अंदर से थी हमेशा, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था प्रोटेस्ट के लिए, या कभी पता नहीं था कि इस कगार पे आकर खड़े हो जाएंगे हम, क्योंकि हमने सरकार चुनी थी, इसलिए चुनी थी भाई कि हमने अपने देश को बढ़ाने के लिए उनसे उम्मीद रखी थी, लेकिन जो होता चला आया नोटबंदी में जो हुआ, तो उसमें पूरा देश एक तरह से खड़ा हो गया, कहाँ पे आ गया भारत ये हम सब जानते हैं। और जो तीन तलाक पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, या तीन तलाक पे जो सरकार मरी जा रही थी हमारी बेटियों के लिए, अब जो ठंड में वो बूढ़ी औरतें, मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो 98 इयर्स की हैं, वो बूढ़ी औरतें दिन रात ड्यूटी दे रही हैं इस ठंड में दे रही हैं, जो कभी घर से जिन्होंने कदम बाहर नहीं निकाले वो दे रही ड्यूटी, तो कहाँ है, क्यों सरकार को नुमाइंदा नहीं आता, क्यों डायलॉग टेबल पे नहीं आते। हम अपनी गुहार लगा रहे, हम सरकार से नहीं कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी नहीं आएंगे तो हम किससे कहेंगे, आखिर उनको हमने चुना है, अगर हम यहाँ देश के नागरिक नहीं हैं, हमारे वोट्स लीगल नहीं है, तो फिर ये सरकार कैसे लीगल हुई। अगर सरकार हमें नागरिक नहीं मानती तो हम इस सरकार को सरकार नहीं मानते। जिस तरीके से शाहीन बाग में
एक लखनऊ में एक शाहीन बाग बना दिया, उसी तरीके से मुझे लगता है ये घंटाघर जो है, जो शाहीन बाग बना था, उस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ये घंटाघर न जाने कितने घंटाघर बनाने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं, बहुत सी जगहों पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस जगहों में भी हो रहा है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार इस चीज़ को दबा रही है, दमन कर रही है, बुरी तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, महिलाओं के लिए गलत शब्द यूज़ कर रही है, हर तरीके से उसे परेशान कर रही है। और यहाँ की महिलाएँ जो हैं उसी जगह पे अड़ी हैं, हिलने नहीं वाली। लोगों का कहना था कि ये महिलाएं केवल घर देखती हैं, घर में संभाले, ऐसा नहीं है। महिलाएं जब वक्त पड़ता है तो हर कुछ करती है। जो महिलाएं घर बनाती है वो देश भी अच्छे से बना सकती है और देश भी अच्छे से चला सकती है, ये हमारी कई महिलाओं ने, आयरन लेडियों ने साबित कर दिया। और अब हम पूरी तरीके से बाहर निकल आए, पूरी तरीके से जनरल महिलाएं निकली आमतौर पर, तो हम लोगों ने ये ठाना है कि अब हम निकले हैं तो कदम पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत हुआ भाई, हमने अपने हर वक्त को सहन के हिसाब से डालते रहते हैं, तो इस हिसाब से आज हम ढल गए हैं कि आप हम घर भी संभालेंगे, बाहर भी संभालेंगे। और फिर हम लोग किन्नरों का तो कोई छोटा भी नहीं है, तो चलो वो तो बात अलग, क्योंकि हमारे ना माँ है ना बाप है, और ना ही जो मोदी जी कह रहे हैं अपने दादा पर दादा के कागज दिखाने को, वो तो कुछ है भी नहीं हमारे पास। हम कहाँ कभी ये नहीं सोचा था इस उम्र में कि हम अपनी नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे होंगे, हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे होंगे कि हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी यहाँ पर, बच्चों को पढ़ाया बड़ा किया सबकी, वो इतने का कर्म पूरी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारी, और उम्र के इस हिस्से में हम इसमें परेशान होंगे कि कहीं अगर हम नागरिकता अपनी साबित कर पाएंगे या नहीं। हर दिन औरतों की तादाद यहाँ बढ़ती गई और औरतें समझती गई, वो अपनी जबान में चाहे समझे, वो जानती है कि इस मुल्क के सबसे ज्यादा जो 65% आबादी है गरीब तबके की, वो उसको ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गरीब हमारा मुल्क एक ऐसा है कि यहाँ ज़्यादातर गरीब आबादी जो अपने कम पढ़े लिखे हमारी बहनें हैं, गांव देहात की बहनें हैं, वो जब इतना नहीं याद कर पाती कि कब उसके बच्चे का जन्मदिन है, तो फिर वो कैसे अपने बाबा दादा का कागजात ला कर के देंगे। तो अब क्या घर कुछ बदल जाएगा आपको लगता है जब भी खत्म होगा? जब देश बदलने निकले तो घर तो अपने आप ही बदल चुका है, वो तो बदल ही चुका है भाई। बाहर निकले हैं, बाहर निकले, देश बदलने की बात करते हैं, घर नहीं बदलेंगे, ये कैसी बात है साहब। लाइए हम यहाँ से ऐलान करते हैं हम लोग सभी महिलाएं कि अब हम लोग किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे, आश्रित नहीं रहेंगे, जो जंग हम लोगों ने आज छेड़ी है हम के लिए ये ले के रहेंगे, और आज के बाद वापस भेज के रहेंगे, लेना पड़ेगा। औरत जो है वो कोमल है, कमजोर नहीं है, अगर कमजोर समझने की गलती करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसको हल्के में ना ले। जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं, जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं, नहीं डर किसी का जनाब, इनकलाब 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 इनकलाब। हमने देखा कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो महिलाएं हैं, दादियां हैं, नानियां हैं, ये एक नया इतिहास रच रही हैं, ये घर वापस नहीं जाना चाहती हैं, हार के तो बिल्कुल भी नहीं, और जीत इन्होंने तकरीबन हासिल कर ली है, क्योंकि खौफ को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये नई नई नज़में लिख रही हैं, पोस्टर बना रहे हैं, कविताएं लिख रही हैं, कहानियां लिख रही हैं, और ख़ुद जीती जागती एक इतिहास की इबारत हो रही हैं। और एक बात बहुत साफ है कि इनका ये जो कहना है कि जिस तरह से शाहीन बाग पूरे देश के लिए है, उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो खौफ का राज है, वहाँ उसके खिलाफ घंटाघर और उजरियाओं की महिलाएं एक बड़े सिंबल के रूप में हमारे सामने हैं।